स्वागत है आप सबका एसएससी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स चैप्टर हम लोग भी पढ़ रहे हैं, आइए इस चैप्टर का जो है 7वां लेक्चर हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन आने का प्रयास कीजिए। अगर प्रॉब्लम हो तो नीचे व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पूछ सकते हैं। देखिए, थ्योरी आज क्लास है, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आपका उसमें प्रश्न बनाया हुआ रहेगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं यह सीखेंगे इस चैप्टर में। तो मान लीजिए लेट कि कोई मैट्रिक्स है आपका एम बाई एन ऑर्डर का, ध्यान देंगे मैट्रिक्स क्या है, एम बाई एन ऑर्डर का है। इसका कहेगा कि फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, अर्थात मैट्रिक्स ए का जो है ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज को हम लोग सूचित करते हैं ए डैश या ए टी से, और लिखते कैसे हैं तो कुछ नहीं करना है, आपका यह ऑर्डर क्या होगा बदल जाएगा, अर्थात यह क्या हो जाएगा एन बाई एम हो जाएगा। ध्यान देंगे आपका यहाँ पर जो ऑर्डर है वह बदल जाएगा, जब भी डैश लिखा हो या टी लिखा हो तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। आइए एग्जांपल पर कुछ समझते हैं। मान लीजिए यह मैट्रिक्स आपका ए हो, ऑर्डर बताइए इसका क्या होगा, जल्दी 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 ऑर्डर बताइए। देखिए, वन रो टू रो, पहले रो को लिखते हैं तब कॉलम को, एक दो तीन, अर्थात इसमें तीन कॉलम। अब यह कहेगा कि ए टी निकालिए या ए डैश निकालिए, तो कुछ नहीं करना, सीधे आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल देना है, अर्थात अभी आपको बताए हैं कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अर्थात इसमें अब तीन रो और क्या हो जाएगा, दो कॉलम हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे आपका यह क्या हो जाएगा, इसको सीधे उठाइए और उठाकर पटक दीजिए, यानी यह हो जाएगा दो तीन पाँच, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, और सेकेंड रो क्या आ गया सेकेंड। देखिए, तो तीन गुरु है, वन टू थ्री, तीन गुरु हो गया और क्या हो गया, दो कॉलम हो गया। नोट कीजिए इसे, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज का। तो जैसे कि हम लोग पढ़े ट्रांसपोज में कि किसी भी मैट्रिक्स का जब कॉलम को रो में, रो को कॉलम में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वह ट्रांसपोज कहलाता है। आइए कुछ प्रॉपर्टीज है। देखिए, किसी भी दो मैट्रिक्स को यदि हम लोग जोड़ते हैं और जोड़कर जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का दो बार यदि हम ट्रांसपोज करें तो वह पुनः उतना ही आ जाता है। तीसरा कहता है किसी भी मैट्रिक्स में यदि हम किसी कॉन्स्टेंट से गुना करें, स्केलर से गुना करें, तो वह अलग आ जाता है, और यह क्या होता है, उसका ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होता है। यह बहुत भी है, इसको एकदम याद रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आपका जो है ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो दे देगा ऑप्शन में इस तरह से करके, हम लोग बिना देखे हुए समझे इसे सही मारते हैं, जबकि यह क्या है, गलत है। कभी भी इस तरह से दिया हो क्वेश्चन, ध्यान देंगे दूसरे स्थान पर है वह पहले आ जाता है। सिखाए होंगे आप लोगों को गुणनफल में, इसको क्या बोलते हैं, प्री फैक्टर, इसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। तो पोस्ट फैक्टर पहले आ जाता है, प्री फैक्टर बाद में चला जाता है। तो कभी भी दो ठो मैट्रिक्स का गुना करते हैं तो उसमें जो है जब दूसरा स्थान पर वह पहले आ जाएगा, पहला स्थान पर दूसरे स्थान पर चला जाएगा ट्रांसपोज निकालने पर। यदि आप बताइएगा सी डी का ट्रांसपोज दिया हो तब क्या होगा, तो डी का ट्रांसपोज अगुने सी का ट्रांसपोज। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा नहीं, आप समझिए, इसको बनाइए और जो भी परेशानी हो घर पर पूछिए। देखिए, यहाँ पर आपको दूसरा प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, जोड़ दो साधन आप जानते हैं कि दो बार ट्रांसपोज करेंगे, इसका अर्थ हुआ सबसे पहले एक बार ट्रांसपोज कीजिए तो आपको बताए हैं चेंज हो जाता है, पुनः इसको एक बार और ट्रांसपोज कीजिए, देखिए फिर यह चेंज होगा, दो जीरो हो जाएगा, तीन एक हो जाएगा, पुनः उतना आ गया, अर्थात यह पुनः उतना ही आ गया। तो किसी ही मैट्रिक्स का यदि दो बार ट्रांसपोज करें तो पुनः उतना ही मैट्रिक्स आ जाता है। फिर यहाँ पर देखिए, यह दिया है कि मान लीजिए हमको निकालना हो टू बी, ठीक है, टू बी का ट्रांसपोज, तो कुछ नहीं करना है, दो बाहर निकाल दीजिए और बी का ट्रांसपोज में गुना कर दीजिए, यही ना प्रॉपर्टी कह रहा है जी। तो यहाँ पर दो हो जाएगा
और यह जब ट्रांसपोज कीजिए बी का तो यह क्या हो जाएगा 3-4 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 5-7 हो जाएगा। ठीक है, आज जो ऑर्डर है वो लिख दीजिए। अब आपको सिखा चुके हैं स्केलर से कैसे गुना करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट हम लोग क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो यह कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए फिर आगे बता रहे। आइए देखते हैं कुछ, अभी अभी हम लोग ट्रांसपोज पढ़े हैं। साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे और एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे, फिर सुनेंगे। साइमेट्रिक SYMMETRIC साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे और एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर इक्वल आ जाए, मतलब ट्रांसपोज करने पर पुनः उतना ही आ जाए तो उसे कहेंगे हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे अधिक पूछता है कि AIJ = AJI आ जाए, अर्थात एलिमेंट का जैसे हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से A12 = A21 यदि आ जाए तो वह क्या है आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकालेंगे तो अभी से क्या है कि फर्स्ट रो आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो देखिए ध्यान से, अब मिलाइए तो क्या इक्वल है। ठीक है, ट्रांसपोज हम लोग कर दिए, आपको बता चुके हैं इक्वल मैट्रिक्स में कि किसी भी मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम हो तो क्या होगा इक्वल होगा, नहीं ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो हम उसे कहेंगे कि वह मैट्रिक्स क्या है इक्वल है। तो देखिए ध्यान से, एक है तो एक है, तीन है तो तीन है, पाँच है पाँच है, तीन है तीन है, दो है दो है, जीरो जीरो, पाँच पाँच, जीरो जीरो, माइनस एक, अर्थात यह दोनों क्या है आपका इक्वल है। यही ट्रांसपोज निकालने पर तो कहेंगे यह मैट्रिक्स क्या है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ध्यान देंगे यह क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। आते हैं स्क्यू साइमेट्रिक पर, जब ट्रांसपोज करने पर पलटने पर माइनस में आ जाए तो वह क्या होता है एसक्यू साइमेट्रिक्स। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो अभी बताए हैं कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ध्यान देंगे सेकेंड कॉलम में, तो क्या यह बराबर आ गया ए का, नहीं आया। देखिए ध्यान से, यहाँ जीरो है तो जीरो, दो है क्या आया है माइनस, निगेटिव आ गया, यह भी क्या है चिन्ह बदल गया, अर्थात यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो यह क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा जीरो दो माइनस दो जीरो। अब देखिए तो क्या इसके बराबर आ गया, हाँ जी बराबर आ गया, तो अर्थात यहाँ पर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आ गया, इसलिए क्या है एसक्यू साइमेट्रिक। तो ध्यान देंगे साइमेट्रिक्स कहेंगे जब ट्रांसपोज करने पर इक्वल आ जाए, एसक्यू साइमेट्रिक्स कहेंगे जब ट्रांसपोज करने पर बराबर आए लेकिन निगेटिव में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। अब इस पर जो क्वेश्चन बनाइए और आगे का लेक्चर देखते रहिए, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे इस पर कोई टॉपिक होगा निश्चित, और एडजॉइंट जो है इसका अगला टॉपिक उसको पढ़ाएंगे। मन से पढ़िए और लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद देखने के लिए।